फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं आधार से जुड़ी एक बड़ी अपडेट के बारे में। आप लोगों को एक चीज है आधार की, जिसको लेकर के काफी कंफ्यूजन हो रहा है और काफी लोग मुझे मैसेजेस करके पूछ रहे हैं, तो उस चीज को मैं क्लियर कर दूंगी आज ही। और साथ ही साथ डीजीपी के बारे में भी मैं एक अपडेट देना चाहती हूँ आप लोगों को। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि सीएससी की आदत है डरा धमका करके काम करने की, कंडीशंस रखने की, तो इसी तरह से डीजी पे को भी लेकर के एक कंडीशन रख दी है अब सीएससी ने। और अगर उस कंडीशन को वीएलई फुलफिल नहीं करते हैं और उस हिसाब से काम नहीं करते हैं जो सीएससी चाहती है, तो आपका डीजी पे बंद भी हो सकता है। तो क्या है, पूरी जानकारी दूंगी मैं इस वीडियो में। अगर शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ कि मैसेज क्या आ रहा है सीएससी की ओर से, और डीजी पे की बात हम पहले कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैसेज आप में से काफी सारे लोगों को आया था, मुझे भी ग्रुप पे शेयर किया गया था, और पूछ रहे थे कि क्या ये मैसेज सही है, क्या लिखा गया है इस मैसेज में। पहले मैं वो पढ़ देती हूँ। प्रिय वीएलई, आप सभी वीएलई भाइयों को सूचित किया जाता है कि डीजी पे हर एक सीएससी संचालक को करना अनिवार्य किया गया है। अतः आप सबको हर महीने कम से कम 100 ट्रांजेक्शन करना अनिवार्य है। न करने की स्थिति में आपकी सीएससी की सारी सर्विसेज बंद कर दी जाएगी, आईडी भी ब्लॉक की जा सकती है। किसी भी समय डीजीपी के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने हेतु वहां पे नंबर दिया गया है और बताया गया कि इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। तो बेसिकली यहाँ पे भी जो है सीएससी गेम खेल रही है और कह रही है कि अगर आप 100 ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तो आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। कभी ट्विटर हैंडल पे जाइएगा त्यागी सर के, और देखिएगा यहाँ पे लिखा जाता है कि किस तरह से वीएलई हेल्प कर रहे हैं लोगों को डीजी पे की माध्यम से। और बहुत सारी बूढ़ी महिलाएं रहती हैं, पुरुष रहते हैं जो कि बीमार हैं, जो अपने बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं, उन सबकी मदद होती है डीजी पे से। और आप यहाँ पे ये जो मैसेज मैंने आपको दिखाया, ये देख करके कह रहे होंगे कि किस तरह से फोर्स किया जा रहा है वीएलई को काम करने के लिए। तो इस तरह के मैसेजेस जो हैं वो आते हैं ग्रुप्स पे हमें, लेकिन अच्छी अच्छी बातें कि किस तरह से मदद हो रही है वो जाती हैं ट्विटर हैंडल पे। कितना दोगलापन है ये आप खुद समझ लीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लोगों को डीजी पे से काफी सहायता होती है, कमीशन भी अच्छा है, लेकिन ये कहना कि अगर आप 100 ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तो आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि सिर्फ डीजी पे की आईडी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सीएससी की आईडी की बात हो जा रही है। तो यहाँ पे जो सीएससी है हमेशा ऐसे करती है कि चीजों को इंटरलिंक कर देती है। अगर आप बीसी पे ट्रांजैक्शन नहीं करोगे, बैंक बीसी नहीं बनोगे, तो आपको यूसीएल का काम नहीं मिलेगा। अगर आप इंश्योरेंस नहीं करोगे तो फिर आपको यूसीएल का काम नहीं मिलेगा। अगर आप डीजी पे ट्रांजेक्शन नहीं करोगे तो आपकी सीएससी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। तो इस तरह के कंडीशंस रखना पुरानी आदत है सीएससी की। और अब जो कंडीशन रख रही है कि आप 100 ट्रांजेक्शन नहीं करोगे तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गांव में डीजी पे लोगों को काफी सुविधा देता है और इससे लोग काफी उनको मदद भी होती है, लेकिन यहाँ पे सीएससी फिर अपना फायदा देख रही है सिर्फ, और फिर कहती है कि आप मदद कीजिए लोगों की, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा घर जाकर के उनके पैसे दीजिए, बुजुर्गों की हेल्प करिए। लेकिन इसमें हेल्प कैसे किया जाए, क्या सीएससी हमको ये समझा सकती है? तो ये एक अपडेट थी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस तरह के मैसेजेस को आप ज्यादा सीरियसली ना लिया करें, और सीएससी का काम है कि वो हर चीज को इंटरलिंक करे और अपना कमीशन अपना फायदा वो देखती है। तो आप जो अगर इस चीज को लिंक करके आपकी आईडी बंद करने की बात होती है तो 99.99% केसेस में इस तरह की कोई केस सामने मेरी नहीं आई है जहां पे एक सर्विस ना करने की वजह से दूसरी सर्विस पे बंद कर दिया हो, खास करके डीजी पे के मामले में। तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं। दूसरी बात की डीजी पे पे अगर आप काम कर रहे हैं और आपको मुश्किलें आ रही हैं तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अब जो भी दुविधा, आपको जो भी परेशानी आ रही है वो आप व्हाट्सएप करके बता दें,
और कमीशन का भी इशू काफी लोगों को आ रहा है कि कमीशन टाइम पे नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है कि हम सबको भी इस नंबर पे व्हाट्सएप करते रहना चाहिए और ट्विटर पे भी ट्वीट करते रहना चाहिए, ताकि त्यागी सर को भी पता चले कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो होता है वो वन साइडेड नहीं होता है। अगर कमीशन नहीं मिलेगा तो रियली भी बोल सकते हैं कि हम काम नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़े से आधार के बारे में। आधार को लेकर के आप सबको काफी सारा कंफ्यूजन है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि कॉमन सर्विस सेंटर आर ऑल्सो गियरिंग अप टू ओपन 50 आधार सेवा केंद्र एंड क्लोज 200-300 आधार यूशियल अपडेशन सेंटर। तो इस चीज को लेकर के आपको जो दूसरे चैनल्स बता रहे हैं कि अब जल्द ही वीएलई को भी मिलेगा आधार पे काम करने का मौका, ये इसमें दो चीजें हैं। ये चीज मैंने भी आप लोगों को पहले बोली थी कि अगर सीएससी चाहे तो वीएलई को ये काम दे सकती है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कोई भी अपने लेवल पे जब अपडेशन का काम कर रहे हैं तो वो गलत ना करें, कोई रूल बाईपास ना करें, एक्स्ट्रा चार्ज ना करें, तो हो सकता है कि कल को ये काम मिल जाए। लेकिन ऑफिशियली इसकी कोई घोषणा नहीं की गई है। अब ये जो आधार सेवा केंद्र खोल रहा है सीएससी, और यहाँ पे जो इनरोलमेंट होंगे वो खुद सीएससी करेगी। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, बहुत सारे वीडियोस में बताया मैंने, ये खुद सीएससी करेगी काम। हाँ, यहाँ पे जॉब अप्लाई जरूर कर सकते हैं लोग, और इसकी भी घोषणा खुद त्यागी सर ने ही दी थी कि जॉब अप्लाई कर सकते हैं लोग और उसके बाद यहाँ पे काम करेंगे। लेकिन ये जो पूरा सेटअप होगा, ये जो पूरी ऑफिस होगी, वो खुद सीएससी की होगी और यहाँ पे वीएलई का कोई भी लेना देना नहीं है। तो इस चीज को लेकर के आप प्लीज कंफ्यूज ना हो। यूसीएल एक अलग चीज है, आधार सेवा केंद्र एक अलग चीज है, और यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है इस चीज को भी लेके। तो आपको मिस गाइडेंस जो मिल रही है वहां पे आप ये समझ लीजिए कि जो यूसीएल का काम है वो ही देने की बात हुई है अभी तक, सिर्फ और सिर्फ। अब मैं एक और चीज आपको बता देती हूँ कि यूसीएल पे जो स्टैटिक आईपी को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है। अगर आप एक बार स्टैटिक आईपी गलत देते हैं तो आपको 2-2.5-3 महीने भी लग सकते हैं, या फिर अगर आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको गलत आईपी दे देता है तो आपको 2.5-3 महीने भी लग सकते हैं उसको सुधारने में। तो इस तरह की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आ रही है, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। रीजन इसका ये है कि जो आरओ ऑफिस है और ये जो सारा सिस्टम होता है वो बहुत स्लो काम कर रहा है, बहुत ज्यादा सेंटर्स अलोकेशन में नहीं है, पाइपलाइन में लिमिटेड नंबर ऑफ सेंटर्स ही अलोकेट कर रही है अभी तक यूआईडीएआई। इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। आप लोगों में से किसी ने अगर 4 महीने 5 महीने पहले भी अप्लाई किया होगा तो हो सकता है कि अभी तक आपका यूआईडीएआई की तरफ से अप्रूवल नहीं आया होगा और आप अपडेशन का काम नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आरओ जो है यूआईडीआई की वो काम स्लो कर रही है। इसमें सीएससी का कोई ऐसा नहीं कि सीएससी वाले ये काम नहीं कर रहे हैं, और ये चीज खुद सीएससी भी क्लियर कर चुकी है। तो ये सारी अपडेट देना चाहती थी मैं आपको इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।